वंश है, शिशुनाग वंश और नंद वंश खत्म करेंगे, शिशुनाग वंश और नंद वंश। देखिए आपको बोले कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग था, खुद कौन था, शिशुनाग। इस शिशुनाग ने क्या किया, हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक की क्या कर दी, हत्या कर दी, और हत्या करके इन्होंने अपना राजधानी परिवर्तन करवा के राजधानी कहां लेके चला आया, वैशाली। राजधानी कहां बनाया, वैशाली। इसने अवंती को जीता और अवंती के साथ साथ इन्होंने एक औरत को जीता, किसको जीता, वत्स को जीता, और इसने अपनी राजधानी वैशाली बनाई। इसके बाद इसी का बेटा राजा बना कौन, कालाशोक। राजा कौन बना, कालाशोक। कालाशोक को हम लोग क्या बोलते हैं, काकवर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काकवर्ण बोलते हैं, मतलब ये रंग का थोड़ा क्या था, काला था, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, काकवर्ण कहते हैं, कालाशोक। कालाशोक का एक उपनाम क्या है, काकवर्ण। इसी के समय में दूसरा सेकंड बौद्ध सम्मेलन हुआ था, इसी के समय में क्या हुआ था, सेकंड बौद्ध सम्मेलन हुआ था। दूसरा बौद्ध सम्मेलन याद है, पता है कहां में हुआ था, कहां में हुआ था, वैशाली में हुआ था। दूसरा बौद्ध सम्मेलन वैशाली में हुआ था, दूसरा बौद्ध सम्मेलन वैशाली में, किसके समय में, कालाशोक के समय में। एक बार यो बताइएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे, शाबाकामी। कौन थे, शाबाकामी। इसके क्या हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे शाबाकामी। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कहता है कि इस कालाशोक का एक मंत्री था जिसका नाम था महापद्म नंद। देखिए दो गुप्त है, महापद्म नंद, इसका एक मंत्री था महापद्म नंद। एक बुक है, उस बुक का नाम है हर्षचरितम, हर्षचरितम, और एक बुक है कादंबरी। एक बुक कौन सा है, कादंबरी, और इस दोनों पुस्तक के लेखक कौन है, वानभट्ट। पुस्तक के लेखक कौन है, वानभट्ट। वानभट्ट कहता है कि कालाशोक एक दिन अपने राज दरबार में घूम रहा था, और राज दरबार में घूमते घूमते इसी का एक मंत्री था महापद्म नंद, जिन्होंने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और कालाशोक की हत्या करने के बाद इस महापद्म नंद ने इस भारत की धरती पे मगध साम्राज्य में एक नए वंश का स्थापना किया, जिस वंश का क्या नाम था, नंद वंश। लेकिन अब यहां समस्या आया, एक है महाबोधि वंश, महाबोधि वंश, और महाबोधि वंश आपका पुस्तक है किस धर्म का, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का पुस्तक है महाबोधि वंश। इस पुस्तक में कहता है कि नहीं, कालाशोक को 10 बेटा था, और उसके 10 बेटाओं ने क्या किया, शासन किया, और अंतिम बेटा था कौन, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन उसका हम बोले क्या कहते हैं, नागदशक, और इसका हम क्या बताए, नंदीवर्धन। इस नंदीवर्धन की हत्या किसने करी, इस नंदीवर्धन की हत्या करी किसने, आपका महापद्म नंद ने। तो महाबोधि वंश कहता है कि नंदीवर्धन की हत्या किसने करी थी, महापद्म नंद ने। लेकिन ये हर्षचरितम और कादंबरी यानी वानभट्ट के लेख में हमें ये मिलता है, इस कालाशोक की हत्या करी थी किसने, महापद्म नंद। आपको इसको नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है किसको, इस नंदीवर्धन वाले को। तो आपसे पूछेगा कि क्या कहते हैं, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन, नंदीवर्धन की हत्या करके उसने एक नए वंश का स्थापना किया महापद्म नंद ने, जिस वंश का क्या नाम था, नंद वंश। और नंद वंश का शासनकाल की बात कीजिएगा तो हमारे भारत में 344 BC से 322 BC तक शासन किया, और महापद्म नंद सबसे पहला क्या बना, राजा बना। महापद्म नंद सबसे पहला राजा बना, और महापद्म नंद के बाद इस वंश का अंतिम राजा बना कौन, घनानंद। महापद्म नंद एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, इसकी सेना में लगभग 600,000 से अधिक सेना था, बहुत ज्यादा सेना था। और इन्होंने उपाधि धारण किया, सुनिएगा, इस सबसे पहला राजा था हमारे भारत की धरती पे जो छोटे जाति का था, किस जाति का था, शूद्र जाति का। सबसे छोटे जाति का था, किस जाति का, शूद्र जाति का। सबसे छोटा राजा था शूद्र जाति का, और इन्होंने उपाधि धारण किया सर्व क्षत्रांक, मतलब क्षत्रियों का क्या करने वाला, नाश करने वाला, क्या करें, हटवा दें, नहीं अच्छा लगेगा वो है नहीं ना, कोई बात नहीं, सच्चाई है, सच्चाई इसका भी मत भागिए, समझ गए, चाहे सच्चाई कैसा भी हो, समझ गए। और एकाध नंबर ये सब कोई मायने नहीं रखता है, समझ गए। मेरा आपको कहने का मतलब ये है, आज से 20 दिन है ना, डेली एक नंबर बढ़ाइएगा, कितना हो जाएगा आपका, बस क्वालिफाई, ज्वाइनिंग आपके लेटर घर पे आएगा, सिर्फ क्वालिफाई करिए। अभी सोचिए 120 होगा ना,
120 का 50 आप सोचिए 60 नंबर। सोचना ये है आपका कंप्लीट है, और 40-45 नंबर में तो ये जाएगा, बोले ना खाली जाएगा सीट, खाली जाएगा, समझ गए। और ये एक्सपीरियंस कहता है, समझ गए, भावनाओं में हम बहते नहीं, याद रखिए, समझ गए। अगर बोल दिए तो बोल दिए, और बीपीएससी ले रहा है क्वेश्चन, जब हेडमास्टर का लिया तो उसका पसीना छुड़ा दिया, क्या लगता है आप लोग ऐसे छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। तो क्वेश्चन आप कुछ नहीं इतना ज़्यादा रखिए, जो जो पढ़ाएं सर सबको कवर कर जाइए, अगर उससे आया तो नहीं छूटेगा, हम किससे दीवार दिए क्वेश्चन, आप लोग को पढ़ाया हुआ से ई हाल हुआ। और अगर हमको पूरा सिलेबस दे दे तब क्या करेंगे पता है आपको, पूरा सिलेबस अगर देंगे तो फिर क्या होगा, उसमें भी लिमिटेड आपको बता दिए थे फलाना फलाना से चीज से पूछेंगे हम आपसे, जो जो हम पढ़ाए, और हम कुछ नहीं किए हैं बता देते हैं, क्वेश्चन अगर एक बार देख लीजिएगा ना, समझ गए। बस आप लोग जो पहला रखते हैं ना, पहला चीज वो नहीं दिए, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान वो देवे नहीं किए ऑप्शन में, सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात वो नहीं दिए, पूछता था सबसे बड़ा सबसे छोटा सबसे मंझला सबसे संजला, ये सब पूछता था 2010 में, अब नहीं पूछेगा आपसे, ऑर्डर सजाने देगा, समझ गए। समय बदला, बीपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं, आप ही बताइए, बीपीएससी में बिहार में पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, दे देता है तीन गो सर बताइए शहरी क्रम का कौन सा क्रम है, पूछा था ऐसा ऐसा बिहार का, दिखाएंगे आज भी आएगा। तो घनानंद इस वंश का अंतिम राजा था, कौन, घनानंद। इस महापद्मनंद ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, और विशाल साम्राज्य स्थापित करके इन्होंने एक राट और एक छत्र का क्या किया, उपाधि धारण किया, एक राट और एक छत्र, एक राट और एक छत्र का उपाधि धारण किया, और इन्होंने उपाधि धारण किया किसका, सर्व छत्रों का, सर्व छत्रा मतलब शत्रुओं का क्या करने वाला, नाश करने वाला, इसे उग्रसेन भी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, उग्रसेन कहते हैं, उग्रसेन उसे कहते हैं कि विशाल सेना रखने वाला, उग्रसेन किसे कहते हैं, विशाल सेना रखने वाला महापद्मनंद को कहा गया। और महापद्मनंद को विशाल संपत्ति था, अथाह संपत्ति था, और अत्यंत ही क्रूर राजा था, क्षत्रिय को देखता था सीधा दे देता था मार दो। इसके बाद इसका बेटा बना घनानंद, घनानंद को विरासत में मिला सब कुछ, जो जो इसके पापा के पास था सब क्या मिला, विरासत में मेहनत किया नहीं, एक नंबर का घमंडी, एक नंबर का अत्याचारी राजा। इसके दरबार में इसके समय में जितने भी मगध साम्राज्य की जनता थी, सब जनता क्या थी, वह संतुष्ट थे। और इसी के समय में हमारा ये भारत है, हमारे भारत के ये वाला सीमा कहलाता है पश्चिमोत्तर सीमा, ये वाला, जब इधर आइएगा फिर हमारे भारत का ये वाला सीमा क्या कहलाता है, पश्चिमोत्तर सीमा कहलाता है ये वाला। और इसी जगह पे एक विश्वविद्यालय था, इस विश्वविद्यालय पे कौन था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में इसी घनानंद के समय में सुनिएगा, एक प्रोफेसर हुआ करते थे, उस प्रोफेसर का नाम क्या था, चाणक्य। देखिए कहानी का समय आई थिंक हमको लगता है खत्म करते हैं, इसके लंबा कहानी है, दो दिन कहानी सुनाने लगेगा, सीधा इसको पढ़िए डायरेक्ट, समझ गए, घनानंद। और इस विश्वविद्यालय का कौन था, प्रोफेसर चाणक्य। चाणक्य क्या किया, चाणक्य को पता चलता है इसी इधर से यूनान से हमारे भारत पे एक आक्रमणकारी आक्रमण कर रहा है, जिस आक्रमणकारी का क्या नाम है, सिकंदर। सिकंदर क्या कर रहा है, हमारे भारत पे आक्रमण कर रहा है, और तक्षशिला विश्वविद्यालय से अपना बढ़िया बिस्तर समेटे, और बढ़िया बिस्तर समेट के चले आए कहां, मगध। कौन, चाणक्य। और मगध आके इस घनानंद से जाके मिल के कहता है कि घनानंद जी ऐसे ऐसे बात है, हमारे देश पे क्या हो रहा है, विशाल आक्रमण हो रहा है, सिकंदर क्या करने वाला है, आक्रमण करने वाला है, आप संभल जाइए। ये बात घनानंद को बुरा लग गया, बोला हमको समझाने आया है, घनानंद घमंडी था, उसको लगता था इस दुनिया में सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है, हमें। जैसे मान लीजिए आपके कोई दो दोस्त में लड़ाई हो, और एक दोस्त को हम समझाने नहीं जाए, एक दोस्त के पास है संभल के रहना, वो हथियार लेके घूमता है, ये करता है वो करता है, मतलब जिसको हम समझाने गए उसको हम क्या समझें, कमजोर ना समझें। ये बात घनानंद को बुरा लग गया, हमको समझाने आया, जब हम इतना अत्याचारी,
हम ये पास इतना सेना हम ही को समझाने आया है। चाणक्य का कहता है कि भरे दरबार से बेइज्जती करके बाहर निकाला किसने, इस घनानंद ने बोला हटो निकालो, और सिखा पकड़ के क्या किया घनानंद। और इसके पीछे लंबा कहानी है समझ गए, और वो जरूरी है नहीं, इसके पीछे का लंबा कहानी है। घनानंद का क्या किया, टीक पकड़ के कहता है चोटी पकड़ के भरे दरबार से बाहर कर दिया, और भरे दरबार से जब बाहर किया तो घनानंद जीते चाणक्य बाहर निकला, और चाणक्य ये शपथ लिया कि हम तुम्हारे साम्राज्य को क्या कर देंगे, नष्ट नाबूद कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और चाणक्य बाहर निकला तो इस जगह उत्तर प्रदेश के जंगल से जा रहा था, उस जंगल का नाम है पिपली वन, और पिपली वन में एक बालक मिला जिस बालक का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को लिया, और चंद्रगुप्त मौर्य को उसकी माता से 1000 काशार्पण में, कितने काशार्पण में, 1000 काशार्पण में खरीदा, और चंद्रगुप्त मौर्य को लेके गया कहां, तक्षशिला विश्वविद्यालय, और अपने कोटा से एडमिशन करवाया। एडमिशन करवा के चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग देने लगा, किसका खात्मा करने के लिए, घनानंद का खात्मा करने के लिए। और घनानंद का खात्मा करने के लिए लेके गया चंद्रगुप्त, जब योग्य हो गया लेके आया, और घनानंद से युद्ध लड़ा, और घनानंद का हत्या करवाया किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और 322 BC में घनानंद की हत्या करके इस मगध साम्राज्य पे एक नए वंश का स्थापना किया, जिस वंश को किस नाम से जानते हैं, मौर्य वंश के नाम से। किस वंश के नाम से, मौर्य वंश के नाम से। और 322 BC से लेके 185 BC तक शासन किया किसने, मौर्य वंश ने। दो वंश है आप पढ़िएगा जरूर, एक मौर्य वंश और एक आपका कौन सा वंश, गुप्त वंश। तो कल सबको लिए होमवर्क रहा लूसेंट का जो है सब्जेक्टिव, समझ गए, सब्जेक्टिव मौर्य वंश वाला पढ़ के आइएगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा देंगे, समझ गए। अब बोले ना आपको, आपको ये जरूरी है ना है कि हमें पूछेगा ना, समझ गए। हम बोले कहानी अगर बताते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य का, नंदराज, मूरा, सब सब बताए हमको, समझ गए। अशोक, अशोक, अशोक कौन बोला, अशोक अंतिम राजा बृहद्रथ है, कहीं नहीं होगा सबसे ज्यादा, समझ गए। 273 से अशोक रहा है 232, इसके बाद ढेरी राजा कौन कहता है। अशोक के बाद पतन प्रारंभ हुआ, ठीक, अशोक के बाद क्या प्रारंभ हुआ, पतन, 185 BC में इसको मार के शुंग वंश का स्थापना हुआ। सुनिए फिर कहानी वाला उसको दिएगा ना कोई, समझ गया।